वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी रूमा एंड यू वाचिंग रूमर्स स्टोरी टाइम। तो गाइस, थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा आज का वीडियो कैसा है। तो स्पेशली आज की वीडियो गर्ल्स की है, बॉयज आप लोग ना देखो तो भी चलेगा ना, पर देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा वॉच टाइम और व्यूज बढ़ जाएगा और आप लोगों को भी हेल्प होगी। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो ये बहुत ज्यादा काम में आएगा, गर्ल्स को ये सब बहुत पसंद है। तो टाइम वेस्ट ना करके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं टॉप दिखाने जा रही हूँ वो है ये। आप लोग मेरे इंस्टा पे हो तो मैंने सारे पहन के, जब भी मैं नया कपड़ा लेती हूँ तो तब भी पहन के फोटोज डाल देती हूँ, कहीं पे घूमने जाऊँ या ना जाऊँ फोटोज पहले डाल देती हूँ। तो ये है सबसे पहले जो टॉप है, तो इसमें यहाँ पे सारे इलास्टिक लगाया हुआ है फुल, और वो हाथ है मतलब बलून टाइप की है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने इसमें ये जो लिया था और इसका साइज मैंने दिया था XS, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो मेरे मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल ही परफेक्ट आते हैं, तो एस टू तो मुझे थोड़ी सी लूज आती है। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट, मैंने आप लोगों ने मेरा इंस्टा पे देख ही लिया होगा, मैंने पहना नहीं। उसके बाद से मैंने मीशो से ये सारे टॉप लेने के बाद मैंने मीशो से बहुत टाइम के कपड़े नहीं लिया, मतलब टॉप्स नहीं लिए, बाकी फ्रॉक्स वगैरह है उसके लिए मैं अलग से हॉल दे दूंगी, आज बस टॉप्स की हॉल दूंगी। तो फिर मतलब हॉल देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, तो इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं हॉल वीडियोज़ दूँ। मेरे पास ऑनलाइन की बहुत सारे कपड़े हैं, तो उसके बाद से मैंने बाहर से भी लिया था। तो मीशो से जो मैंने टॉप्स मेरे पास है मैं आज वो दिखाने जा रही हूँ, और जो बाकी बॉटम वेयर एंड फ्रॉक्स है मैं उसकी हॉल बाद में दे दूँगी अलग अलग करके। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं साइड में दे चुकी हूँ कैसे लगती है पहनने से। इसकी प्राइस ऑन ऑल मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मीशो में कभी कभार लिंक नहीं दिया जाता और कोड नंबर होता है, तो मैं बहुत पहले लिया था ये सब, अगर मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने लिया वही क्रॉप टॉप ही लिया, सेम मतलब उसी टाइप की है ये, इसका कलर ब्लू है और ये फुल स्लीव है, वो बॉटम सॉरी बलून जैसा है, इसका हाथ भी बलून जैसा है और इसके पीछे भी इलास्टिक लगाया हुआ है, बट सामने इलास्टिक नहीं है, सामने कुछ सिल्क के हैं, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बट दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए मैंने ये लिया। इतना अनकंफर्टेबल भी नहीं, तो ये थोड़ा सिल्क है तो किसी किसी लोगों को सिल्क पहनना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब पहनने के लिए, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो मतलब सामने थोड़ी वी नेक की तरह है और पीछे से इलास्टिक है, देख सकते हो मैंने साइड में दे चुका हूँ मैं, फुल स्लीव है। मैंने इसका भी साइज क्या दिया था एक्सेस ही दिया था, एक्सेस अवेलेबल ना हो तो एस टू तो क्या होता है मेरा वो स्लीव थोड़ा लूज आते हैं, बाकी ठीक ठाक रहती है। तो इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया, तो आप लोग चाहो तो जाके ले सकते हो। मैंने जो लिया वो है ये, इसका कलर बहुत सही है,
ये ब्लू भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, मुझे पता नहीं इसका कलर कौन सा है। तो मैंने दिया था ब्लू बट आया ये, बट ये भी बहुत अच्छा कलर है। तो ये जो मैंने लिया था ये मैंने एस साइज में दिया था। इसका भी सेम मतलब सारे फुल स्लीव जैसे ही है, और इसका हाथ मेरे पास जितने मीशो की टॉप है सारे हाथ वो बैलून टाइप की है। आप लोग सोचोगे कि मैं सारे क्यों सेम सेम लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पे इलास्टिक और नेक की यहाँ पे इलास्टिक लगाया हुआ है, यहाँ पे ओपन है, वो भी बलून टाइप की होते हैं यहाँ पे। तो इसका मैंने साइज दिया था एस साइज, तो एस साइज मुझे आती नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लूज है, थोड़ा नहीं बहुत ही लूज है। तो मैंने ये आज तक मैं पहनी नहीं हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है, टॉप बहुत अच्छा है, जिसको फिट आएगा तो बहुत अच्छे से अच्छे लगेंगे। फिर भी मैंने ये फोटो डाला है इंस्टा पे, अगर चाहो तो आप लोग इंस्टा पे जाके देख सकते हो, बहुत पहले मैंने डाला था, तो अभी मैं हॉल दे रही हूँ। तो इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह दे दिया, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। प्राइस भी स्क्रीनशॉट में मैंने डाल दिया, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। टॉप लिया वो सिंपल सी ब्लैक कलर की टॉप है, ये भी क्रॉप टॉप ही है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मेरे सारे का सेम ही है, तो मैंने ये थोड़ा डिफरेंट लिया। यहाँ पे सिंपल सी एक है, ये दिखने में थोड़ी लाइन लाइन है, और सामने बटन्स है और बाकी कुछ भी नहीं है, ये बस शो ऑफ के लिए है, ये ओपन नहीं कर सकते हम। तो इसका भी मतलब ये मैंने पहना, ये बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैंने XS साइज में दिया था, तो इसका भी मैं लिंक तो नहीं दे सकती, तो मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट दूंगी, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये, वही सेम टाइप की टॉप फिर से मैं लेके आ गई। तो इसका ये टाइगर प्रिंट की है, स्लीव सेम है, लोग तो देख सकते हो, फुल स्लीव और बलून टाइप की है, और इसका पीछे इलास्टिक लगाया नहीं हुआ है, पीछे ऐसे प्लेन है, और इसका मटेरियल और जो भी ब्लू की मटेरियल ये वाला सेम है, और सामने भी ये सामने इसका इलास्टिक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बटन लगाया हुआ है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये गले पे कॉलर भी दिया हुआ है, और बीच में ये थोड़ा गैप है। तो इसका मैंने जो साइज़ दिया था एस साइज़ में दिया था, तो एस साइज़ मुझे थोड़ी सी लूज़ आती है जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, फिर भी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं फिर भी पहनती हूँ, बट मुझे ये थोड़ा सा लूज़ आते हैं। तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप लोग चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा है, आप लोग मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ले ही लो, बहुत अच्छा है।
मतलब आज के वीडियो के लिए लास्ट है ये। तो ये है ऐसी टाइप की टॉप, ये नेट की है और स्लीव में यहाँ पे थोड़ी बलून टाइप की है और नीचे थोड़ा बिल्कुल भी नॉर्मल है, आप लोग देख सकते हो। और ऐसे सिंपली है, दोनों स्लीव में है। हाँ, वाइट कलर की नेट के ऊपर ब्लैक कलर की वेलवेट की काम किया हुआ है। तो पीछे यहाँ से एक हुक भी देते हैं और ऐसी है। और इसके अंदर पहनने के लिए भी है, इसके अंदर के लिए ये वाइट कलर की इनर भी देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इसको परचेस किया था एस साइज़ में। एस साइज़ मैंने बोला ही था, एस साइज़ मुझे थोड़ा सा लूज आते हैं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा एस मिला नहीं था, तो मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने यही एस साइज़ में ही दे दिए जितने सारे मेरे एस साइज़ की टॉप है। तो मैंने ये पहन के फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लिए, अभी तक बाहर नहीं गई। तो यही है। और इसका भी मतलब प्राइस और लिंक तो मैं नहीं दे सकती, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप लोग चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो गाइस यही था मेरा आज का हॉल। आप लोगों को और किस किस का हॉल चाहिए, क्या किन सब चीज़ के हॉल चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आप लोगों को उसी का हॉल लेके आऊँगी। स्टैंड के बाहर नहीं गई, मेरे फ्रेंड आए थे तो मैं उनके साथ बाहर गई थी। तो अभी यही जाके वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसे हॉल चाहिए आप लोग नेक्स्ट बताओ। मेरे पास बॉटम वेयर की भी हॉल है और फ्रॉक सब कुछ। जस्ट कमेंट बिलो। ओके बाय बाय।